प्रश्न, जिसने रमजान के दौरान किसी दूसरे शहर की यात्रा की और उनके साथ रोज़ा पूरा किया, यहाँ तक कि उसने जो कुल रोज़ा रखा वह 31 दिन हो गया। 31वें दिन उसने अपने शहर के लोगों का पालन करते हुए रोज़ा रखा, फिर उस दिन के दौरान उसने यात्रा की और यात्रा की वजह से उसने रोज़ा तोड़ दिया, क्या उसके लिए रोज़ा का कज़ा करना अनिवार्य है और क्या उसके लिए रोज़ा तोड़ना अनिवार्य है यदि वह उदाहरण के तौर पर जुहर अर्थात दोपहर के बाद अपने परिवार के शहर पहुंचा, जबकि वे लोग रोज़े से नहीं थे क्योंकि वह उनके यहाँ ईद का दिन था। उत्तर, हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान केवल अल्लाह ताला के लिए योग्य है। मैंने यह सवाल शेख अब्दुर्रहमान अलबर्राक हफ़िज़हुल्लाह ताला के सामने पेश किया तो उन्होंने उत्तर दिया, हाँ उसके लिए रोज़ा कज़ा करना अनिवार्य है क्योंकि इस दिन का रोज़ा उसके ऊपर अनिवार्य था और उसने एक उज़्र के कारण रोज़ा तोड़ दिया था, और यदि वो ऐसे शहर में पहुँचे जहाँ के लोग रोज़े से ना हो तो उसके लिए उनके साथ रोज़ा तोड़ देना अनिवार्य है क्योंकि उसका हुक्म उस शहर के लोगों का हुक्म है जिसमें वो पहुँचा है, लेकिन अगर उसने फज्र होने से पहले यात्रा की है तो उसके लिए कुछ भी अनिवार्य नहीं है क्योंकि फज्र उदय होने से पहले उस पर रोज़े का हुक्म लागू नहीं होगा। समाप्त हुआ।